हरियाणा चुनाव नजदीक है और 5 अक्टूबर को इस चुनाव की वोटिंग होगी। उससे पहले हरियाणा में चुनावी माहौल काफी अलग नजर आ रहा है। कई दिग्गज नेताओं का मीडिया से बातचीत का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इसी कड़ी में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मीडिया से चुनाव को लेकर काफी कुछ जानकारी दी है और बातचीत में तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। जब मीडिया ने उनसे पहला सवाल पूछा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहने वाला है, इस सवाल के जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। लोकसभा में हाफ किया, विधानसभा में बीजेपी साफ हो जाएगी। कांग्रेस को हरियाणा में जनता से जबरदस्त जनसमर्थन मिल रहा है। मैंने जो अनुभव किया है उसके हिसाब से हरियाणा की सभी 36 बिरादरी मन बना चुकी है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार ही होगी। फिर उनसे अगला सवाल ये किया गया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अहम सवाल है। इस सवाल के जवाब में भूपेंद्र हुड्डा ने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी की अपनी पद्धति है, उसी हिसाब से हम चलते हैं। विधायक बनेंगे, बहुमत मिलेगी, इसके बाद केंद्र पर्यवेक्षक विधायकों की राय जानेंगे और केंद्र नेतृत्व को अवगत कराएंगे। हाईकमान जो भी फैसला लेगा मुझे मंजूर होगा। इसी कड़ी में फिर उनसे तीसरा सवाल किया गया कि ऐसा कहा जा रहा है कि टिकट वितरण में आपकी चली है, आपने भी सब कुछ डिसाइड किया है और इस बात से कुमारी शैलजा नाराज हैं, इस बारे में क्या कहेंगे। इस सवाल के जवाब में उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये व्यक्ति की बात नहीं है, पार्टी ने टिकट दी है, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, कांग्रेस पार्टी का टिकट है, व्यक्तियों का टिकट नहीं है, मैंने नहीं बांटा टिकट, स्क्रीनिंग कमिटी ने रिव्यू किया है, केंद्र चुनाव समिति ने देखा, फिर उस समिति ने भी समीक्षा की, काफी लंबी प्रक्रिया के बाद उम्मीदवारों का चयन हुआ है, 90 सीटों के लिए 2500 आवेदन थे। तो इन सवालों के जवाब में भूपेंद्र हुड्डा ने ये सब जवाब दिए। साथ ही खैर ये तो सवाल सवाल ही रह जाएगा कि हरियाणा चुनाव की वोटिंग के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उनमें ही पता चलेगा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल आपकी क्या राय है इस सवाल पर, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर दें और हरियाणा चुनावी माहौल को लेकर और भी अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे। फिलहाल के लिए मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।